अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा आज का लेक्चर था उसके अंदर जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो सकी। जो हमारे पास अब वीडियो है वो साउंड के बगैर है। हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एज वी गो ऑन वीडियो में हम चलते जाएंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन के क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो प्रोजेक्ट है वो शोगी आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, जो कि एक जापानीज वेरिएंट है चेस का। इसके अंदर जो अभी वीडियो में हम देख रहे हैं वो एक वेबसाइट है chess.com, जहाँ पर आपको अगर चेस खेलनी नहीं आती तो आप जाकर इस वेबसाइट पर चेस जो है वो सीख भी सकते हैं। ऑन द लेफ्ट आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर थर्ड ऑप्शन लर्न की है। यहाँ से आप सारे रूल्स जो हैं चेस के वो क्या उसे कहते हैं सीख सकते हैं कि रूल्स क्या हैं और चेस को खेला किस तरह से जाता है। अब हमारे पास जो चेस होती है, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि हमारे पास डिफरेंट पीसेज होते हैं चेस के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो आपको फर्स्ट लाइन में, जैसे वाइट को हम देखते हैं, तो फर्स्ट लाइन में आपको जो नज़र आ रहे हैं दीज आर पॉन्स। जो एंड्स पे आपको कैसल्स नज़र आ रहे हैं उनको हम रुक कहते हैं। उनके साथ जो आपको घोड़ा नज़र आ रहा है उसको नाइट कहते हैं। उसके साथ जो एक पीस पड़ा हुआ है उसको बिशप कहते हैं। और फिर आपके पास किंग एंड क्वीन है, एंड द क्राउन इज़ द किंग, और जो क्वीन आपके साथ उसके साथ है। ठीक है। जितने भी पीसेज होते हैं उनके पास अपने मूव्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं कि वो किस तरह से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पॉन्स होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, यानी अप मूव कर सकते हैं, और जो ब्लैक वाला है वो सिर्फ नीचे मूव कर सकता है, वो लेफ्ट राइट या डायगनली मूव नहीं कर सकते। इन द फर्स्ट टर्न, जब पहली टर्न होती है, तो जो पॉन्स हैं वो दो बॉक्सेस आगे मूव कर सकते हैं या दो प्लेसेस आगे मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहली दफ़ा भी सरफराज ने मूव किया है, जो पॉन को वो दो मूव्स आगे कर सके लाइक कर सकते हैं। बट इसके बाद फर्स्ट मूव के बाद जब एक पॉन ने अपना पहला मूव कर लिया हुआ है वो सिर्फ एक बॉक्स आगे मूव करेगा। इसमें आपके पास जो पीसे होते हैं उनको कैप्चर भी करते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नॉर्मली जो पीसेज हैं वो अपनी जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा एनिमी पीस आ जाए तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो पॉन्स होते हैं वो अपने सामने वाले को कैप्चर नहीं कर सकते, वो डायगनली कैप्चर करते हैं। ऑल ऑफ दीज रूल्स जो हैं वो आप इस वेबसाइट से सीख सकते हैं। मूविंग ऑन, जो रुक्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं, यानी अप लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। जो नाइट्स होते हैं वो सॉर्ट ऑफ एक रेक्टेंगुलर शेप में मूव करते हैं, यानी वो या तो एक ऊपर और दो लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं, या दो ऊपर और एक बॉक्स लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास बिशप है जो कि डायगनली मूव कर सकता है सिर्फ, और फिर आपके पास जो क्वीन है वो बिशप और रुक की कॉम्बिनेशन होती है, सो वो डायगनली भी मूव कर सकती है और अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास किंग है जो कि सिर्फ एक बॉक्स मूव कर सकता है इन एनी डायरेक्शन, यानी डायगनल्स भी मूव कर सकता है, अप भी मूव कर सकता है, लेफ्ट या राइट भी मूव कर सकता है, बट ओनली वन बॉक्स। सेकेंडली, जो आपका किंग है वो किसी पीस को कैप्चर नहीं कर सकता। इसके अलावा जितने भी पीसेज हैं वो एनिमी पीसेस को कैप्चर कर सकते हैं। और जो किंग होता है उसका काम कैप्चर करना होता भी नहीं है। आपने अपने किंग को दूसरे पीसेस से बचा के रखना होता है। एक्चुअली आपका ऑब्जेक्टिव जो एनिमी किंग है उसको कैप्चर करना है। ठीक है। एज वी मूव ऑन, इसकी आगे भी डिटेल्स आएंगी। जो किंग कैप्चर किस तरह होता है, वो इस तरह से होता है कि अगर आपके जो एनिमी किंग है वो अगर आपके किसी भी पीस के लाइन ऑफ साइट में पड़ा हुआ है, यानी आपका पीस उसकी पोजीशन में मूव कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि द किंग इज़ इन चेक। लेकिन इस पॉइंट पे आपकी गेम लाजमी नहीं है ख़त्म हो, क्योंकि अगर वो जो किंग है वो कहीं मूव कर सकता है और आपके पीस से की जो लाइन ऑफ साइट है उससे हट सकता है, तो वो जो है आप उसको चेक को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप, अगर आपका कोई और पीस यानी एनिमी का कोई और पीस आपके पीस और किंग के दरमियान आ सकता है, तो तब भी आपका चेक ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज आप डायरेक्टली किंग को कैप्चर नहीं कर सकते। बट इन द केस कि आपका जो किंग है
जो सॉरी एनिमी का किंग है वो आपके किसी पीस के लाइन ऑफ साइट में भी है, और जो है वो कहीं मूव भी नहीं कर सकता। सो उस पॉइंट पे हम कहते हैं चेकमेट, और दैट्स द पॉइंट वेयर आपकी जो गेम है वो ख़त्म हो जाती है एंड यू विन। सो मूविंग ऑन, हम यहाँ पर जो है अब जो है गेम के लिए मेमोरी डिफाइन करें कि हमें क्या मेमोरी चाहिए। सो ऑब्वियसली वी हैव अ बोर्ड, बोर्ड होगा जिसके अंदर डायमेंशन होंगी उसकी। सो दिस टेल्स अस के हमारे साइज बोर्ड का साइज क्या है। सो चेस में जो आपका बोर्ड का साइज होता है वो 8x8 होता है। सो ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। और जो बोर्ड इटसेल्फ है वो आपके पास एक 2D एरे है 8x8 की, जिसको हम कैरेक्टर एरे बना रहे हैं। सो हम डिफरेंट लेटर्स यूज करेंगे डिफरेंट पीसेस को डिफाइन करने के लिए। सो इसलिए हम इसको एक कैरेक्टर एरे बना रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पर क्या बात हो रही है। सो लेट्स जस्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो लिटिल बिट ताकि हम आगे मूव कर सकें। सो लेट मी जस्ट सी। राइट, सो हम प्लेयर नेम्स रखवाना चाह रहे हैं। सो दैट्स 2 साइज की रही है। चेस में सिर्फ 2 ही प्लेयर खेल सकते हैं। सो देर दैट दैट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 2 ही साइज की एरे होगी स्ट्रिंग्स की, जो कि नेम सेव सेव करवाएगी। एंड अगेन आपके पास टर्न होगी जो कि ऑल्टरनेटिव भी चेंज हो रही है। सो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे आपको एक सो द सेकंड मूव यहाँ पर जिसके लिए मैं आया था वो है यहाँ पर नाइट को मूव करके सर ने दिखाया था। सो देयर यू गो, कि जो उसने मूव किया है वो नाइट को उसने 2 बॉक्सेस डाउन और 2 बॉक्स एक बॉक्स लेफ्ट को मूव किया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ नाइट मूव्स। अगेन इस वेबसाइट पे आप जाकर इस लर्न के टैब में से सारे रूल्स देख सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, जो चेस के बेसिक रूल्स हैं उसको खेलने के वो काफ़ी सिंपल हैं। सो सो राइट, सो अब हमारे पास क्योंकि एक 2D रे है तो हमें 2 इंडेक्सेस डिफाइन करने हैं उसके लिए। राइट, उसको उसकी पोजीशन बताने के लिए, हर पीस की पोजीशन बताने के लिए। सो अगर आप कोई पीस सेलेक्ट करते हैं, उसको कहीं मूव करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 2 इंडेक्सेस बताने पड़ेंगे। एक आपका रो इंडेक्स होगा, एक कॉलम इंडेक्स होगा। सो उसके लिए हम एक पोजिशन का स्ट्रक्ट बना लेते हैं। सो इट मेक्स अस मेक्स इट सिंपल, हम उन दोनों को एक में रैप, एक डेटा टाइप में रैप कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स होने की बजाय सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं पोजिशन टाइप के, जो कि सोर्स सोर्स पोजिशन होगा और डेस्टिनेशन पोजिशन होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स है और डेस्टिनेशन है। सो एस स्टैंड फॉर सोर्स, डी स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन। सो जब आपका प्लेयर मूव कर रहा होगा एक पीस को, तो वो आपका सोर्स डेस्टिनेशन सॉरी सोर्स पोजीशन बताएगा, यानी कौन सी एलिमेंट को उठाना चाह रहा है। और वहाँ पर जो भी आपका पीस पड़ा होगा आप उसके ऊपर जो भी अपना कोड लगाएंगे कि उसके ये पॉसिबल मूव्स हैं, और फिर वो एक डेस्टिनेशन बताएगा जिसको आप फिर वैलिडेट कर सकते हैं कि ये इस पीस का मूव है या नहीं। सो अब उसके बाद फॉर नाउ हमारी जो मेमोरी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इसमें कुछ और ऐड करना होगा तो मज़ीद आगे तक हम ऐड कर लेंगे, बट क्योंकि मेमोरी ख़त्म हो गई है तो नाउ वे कमिंग टू जो हमारी गेम का मेन फ्लो है उस पे आ रहे हैं। सो एक चीज़ आपको आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम जो गेम बना चुके हैं गोमो को, दिस गेम इज़ वेरी सिमिलर कोड वाइज, उसके काफ़ी सिमिलर होगी। आपका जो मेन फ्लो है, आपके पास जो मेमोरी है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक सिमिलर है। सो इसमें आपको होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप गोमो को बना चुके हैं खुद से। सो हमारे पास पहला फंक्शन इनिशियलाइज का है, जिसमें ऑब्वियसली हम अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितनी भी मेमोरी है उसको इनिशियलाइज करते हैं। सो उसको हम
इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई एम नॉट श्योर कि अभी सर क्या बात कर रहे थे, ऑब्वियसली साउंड नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉरवर्ड दिस अगेन। सो उसके बाद हम ऑब्वियसली एक दफ़ा अपने सारे वेरिएबल्स को जब इनिशियलाइज कर चुके हैं, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाना है, अपने प्लेयर को दिखाना है कि उसकी स्टेट क्या है। सो एट द स्टार्ट ऑब्वियसली आपका जो बोर्ड है, जिस तरह से हमने देखा था कि जो पीसेस पड़े हुए थे chess.com की वेबसाइट पे, हम उस तरह से इसको इनिशियलाइज करवाएंगे और फिर हम वो डिस्प्ले करवा देंगे। सो लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट इनिशियलाइजेशन, कि हमारी इनिशियलाइजेशन क्या हो रही है। सो हमारे पास बोर्ड इनिशियलाइज हो रहा है, जो कि हम गोमुको में खाली बोर्ड इनिशियलाइज करते थे, इसमें हम खाली नहीं करेंगे, इसमें हमें सारे पीसीज उनकी प्रॉपर जगह पे रखनी पड़ेंगे। एंड जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे तो हम देखेंगे इसको किस तरह से करना है। ऑब्वियसली इसको हार्ड कोड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको हर इंडेक्स पे जाके डिफरेंट पीस रखवाना पड़ेगा। सो इसका एक सिंपल तरीका है कि हम उसको फाइल से लोड करवाएंगे। सो एनीवेज बाकी जो आपके पास डायमेंशन है वो ऑब्वियसली 8 होगी। सो 8x8 का बोर्ड होता है। जो पेयर नेम्स हैं वो आपके पास जो है आप इनपुट करवाएंगे। जो टर्न होती है वो हमेशा वाइट की टर्न पहले होती है चेस में। सो दैट्स जो टर्न है वो इस फॉर रैंडम नहीं होगी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली चेस के अंदर जो वाइट होता है उसकी हमेशा पहली टर्न होती है। अगेन जो उसके सिंबल्स हैं उनको हम लेटर से, सॉरी जो सिंबल्स कह रहा हूँ, जो पीसेज हैं उनको हम लेटर से जो है वो डिनोट कर रहे हैं, यानी इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पॉन्स के लिए पी है, रुक के लिए आर होगा। सो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो वाइट का रुक है या ब्लैक का रुक है, हम कैपिटल लेटर्स और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, लोअर केस लेटर्स होते हैं, वो यूज़ करेंगे। सो अगेन कमिंग बैक टू द मेन फ्लो, जो कि सर यहाँ पर बना रहे हैं। सो हमने अपना बोर्ड इनिशियलाइज किया, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर हम टर्न मैसेज डिस्प्ले करेंगे जिसकी भी टर्न है। सो हमारे पास प्लेयर नेम्स की अरे है जो कि 2 साइज की है, जिसमें 0 और 1 इंडेक्स है, और जो टर्न है वो भी 0 और 1 ही होगी। सो 0 स्टैंड फॉर लेट्स से वाइट, और जो 1 है वो ब्लैक के लिए होगी। तो जो हम पी नेम्स के अंदर टर्न को एज एन इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, तो अगर 0 वाइट के लिए है तो 0 इंडेक्स पे जो भी प्लेयर नेम पता हो पड़ा होगा वो वाइट का प्लेयर नेम है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद जिसकी भी टर्न है उसने जो है अपनी सोर्स सेलेक्ट करनी है। सो इसको हम अपना जो स्ट्रक्ट था, पोजिशन का स्ट्रक्ट है, हम पोजीशन भेजेंगे जो कि सोर्स पोजीशन भेजेंगे और डायमेंशन भेजेंगे। सो ये आपका जो प्लेयर है वो एक सोर्स इनपुट करेगा, कीबोर्ड से भी कर सकता है, और जो हमने गेट रो बाय कॉलम का फंक्शन बनाया हुआ है वो उससे भी आप करवा सकते हैं इसको। सो अगेन ये हम इम्प्लीमेंटेशन में इसका देखेंगे। सो इसकी जो वैलिडेशन है, ऑफ कोर्स आपकी जो सिलेक्ट सोर्स है उसके अंदर नहीं होगी, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सेलेक्ट सोर्स के अंदर बोर्ड नहीं भेजा। सो फिलहाल अभी कोई वैलिडेशन नहीं हो रही। डायमेंशन हमने भेजी है ताकि वो एक वैलिड कोऑर्डिनेट दे, जो कि काइंड ऑफ वैलिडेशन ही है, लेकिन फिलहाल हम जो पीसेस की वैलिडेशन है और वो आपका पीस है या नहीं है, हम उसको जो है अभी वैलिडेट नहीं कर रहे। सो उसको वैलिडेट करने के लिए हम एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे जो कि इज वैलिड सोर्स, जिस या खाली इज वैलिड भी हो सकता है। सो उसके बाद हमारा जो सिलेक्ट सोर्स है उसको हम एक डू वाइल में लगा रहे हैं, ताकि जब तक आपके पास एक इनवैलिड इनपुट आ रहा है, हम उसको बार बार इनपुट लेते रहे। अगेन यहाँ पे हमने उसको सोर्स, डायमेंशन और टर्न भेज दिए। यहाँ पे हम इसको बोर्ड भी भेजना चाहिए, बिकॉज अगर वो ऐसी सोर्स सेलेक्ट करता है जो कि उसका पीस नहीं है, या एक वो खाली ब्लैंक है, तो एक्सक्यूज मी, तो तब भी वो एक वैलिड वैलिड सोर्स नहीं है, वो उसको नहीं चला सकता। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे बोर्ड भी भेज रहे हैं। सो मुझे थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स सर थोड़ी सी डिटेल में जा रहे थे, एंड यहाँ पर क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं उस तरह से डिटेल में नहीं जा सकता।
अब यहाँ पर हमारे पास राइट अब हमारे पास जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास वो ब्लैक का पीस है या वाइट का पीस है, उसकी डिस्टिंक्शन हमने करनी है कि हम उसको किस तरह से बता सकते हैं थ्रू लेटर्स के वो ब्लैक है या वाइट है, क्योंकि रुक के लिए दोनों के लिए आर है एंड जो लेट्स से पॉन है उस दोनों के लिए पी है. सो हम कैपिटल लेटर्स और जो स्मॉल केस लेटर्स हैं या लोअर केस लेटर्स जिनको कहते हैं हम उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे. एंड जो वाइट पीस है उनको हम कैपिटल लेटर से करवा रहे हैं, एज यू कैन सी. एंड इट्स अ सिंपल फॉर्मूला कि अगर वो सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू है कैपिटल ए के और लेस देन इक्वल है कैपिटल जी के, सो वो जो है अगर ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी वो ए से जी के दरमियान में है, तो दैट मीन्स कि वो एक वाइट पीस है. और सिमिलरली जो इस ब्लैक पीस का फंक्शन है वो भी इसी तरह से सिंपल सा होगा, एंड उसके अंदर हम जो सिंबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए करेंगे और जो सिंबल एंड इट विल बी लेस देन जो हमारा स्मॉल जी है. सो यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं हो रहा. अगर आपने आस्की टेबल देखा हुआ है, सो आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा हुआ है, तो उसमें आपको पता है कि जो आपके लेटर्स होते हैं वो एक साथ ही पड़े होते हैं. सो जो आपका कैपिटल ए होता है उसका जो आस्की कोड होता है 65 होता है, और जो आपका कैपिटल जी होता है वो उसका आस्की कोड इट्स लाइक 65+26 जो भी बनता है. सो आई थिंक 91 बनता है या 92 बनता है. सो खैर तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहा है जो कि बता रहा है कि आपका जो कैरेक्टर इसको इनपुट सॉरी आर्ग्यूमेंट में आ रहा है उसका आस्की कोड अगर 65 से 92 के दरमियान में है तो इट मीन्स कि वो कैपिटल लेटर है. सो इट्स जस्ट दैट जो कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है. सो अगेन इस ब्लैक पीस जो है आपका वो सॉरी अबाउट दिस. सो इस ब्लैक पीस जो है आपका उसके अंदर हम सेम कोड लिखेंगे जस्ट विद स्मॉल लेटर्स. सो आई गेस सर ने यहाँ पे नहीं लिखा, ही वाज आस्किंग सम स्टूडेंट्स, उनसे पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे. खैर सो इसका इन दो फंक्शंस को बनाने का एक और मकसद ये भी है, और इन दो दोनों फंक्शंस को बनाने का मकसद ये है कि आपके पास अगर एक वाइट पीस है सो अगर वो वाइट पीस नहीं है तो ऑब्वियसली वो ब्लैक होगा, राइट. नहीं ऐसे नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है कि जो ब्लैंक स्पेस है अगर वो उसको सेलेक्ट करे तो आपके पास जो इस ब्लैक पीस और वाइट पीस है वो दोनों ही फॉल्स रिटर्न करेंगे बिकॉज वो दोनों के क्राइटेरिया में नहीं आता. सो इन दैट केस वो फिर भी इनवैलिड है, तो इन दैट केस हमारे पास वो भी इजी हो जाता है. सो इन दो फंक्शंस को यूज़ करने का ये मकसद है. सो वंस हमने वैलिडेशन कर ली है, सो द इज ब्लैक पीस और वाइट पीस है वो आप गेस कर सकते हैं कि वो कहाँ यूज़ होगा. वो इज वैलिड का जो हमारा फंक्शन है वो उसके अंदर यूज़ होंगे. सो जब हम इज वैलिड चेक कर रहे होंगे तो वो वहीं पे हम साथ भेज देंगे और वो वहीं पर चेक होगा. सो अब हमारे पास डेस्टिनेशन आ जाता है कि हमने अपने पीस को कहाँ पे मूव करना है. इट इज़ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आपके सोर्स से. आई मीन इसकी जो वैलिडेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी बिकॉज यू डोंट नॉट ओनली हैव टू चेक कि आपके पास ये जो है बोर्ड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, वहाँ पे खाली जगह है या नहीं है. आपको जो हर पीस है हर इंडिविजुअल पीस है अगर वो रुक है तो आपको उसके रुक के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी वैलिडेशन लगानी पड़ेगी. अगर वो पॉन है तो पॉन के जो वो है उसके जो पॉसिबल मूव्स हैं उसके जो लीगल मूव्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैलिडेशन लगानी पड़ेगी. सो इन अ बिट आपको यहाँ पर सरफराज प्रोबेबली एक्सप्लेन करेंगे कि इसके लिए जो हमारा वैलिडेशन का फंक्शन है वो पुराने वाला यूज़ नहीं होगा. सो वो अब उसको इस वैलिड सोर्स कर दिया उन्होंने, उन्होंने छोटा सा लिखा है यहाँ पे. एंड द सेकेंड फंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है वो इस वैलिड डेस्टिनेशन है. सो वो सिर्फ हमारे बेस केसेस तो चेक करेगा कि वो आपकी डायमेंशन के अंदर है या नहीं है, और दूसरी चीज़ के वो जहाँ पर वो मूव करना चाह रहा है वो खाली जगह है या नहीं है. तो दिस दिस वाज द वेरी बेसिक, आपके जो गोमुको में वैलिडेशन थी वो काफ़ी बेसिक थी, बट इन चेस हमारे पास काफ़ी थोड़ा सा हमें
देखना पड़ता है कि हर पीस जो है उसके मूव्स डिफरेंट है. सो जो डिपेंडिंग ऑन कि उसने कौन सा पीस सेलेक्ट किया हुआ है मूव करने के लिए, उसके उसके अकॉर्डिंग उसके लीगल मूव्स होंगे जिसको हम वैलिडेट करेंगे. सो दिस कम्स इन अ लिटिल लेटर. थोड़ा सा आपके जो इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. अगेन जो chess.com है वहाँ पर आप ज़रूर जाके, अगर आपको चेस खेलने नहीं आती तो एटलीस्ट आपने जो लीगल मूव्स होते हैं हर पीस के वो देख लेने, बिकॉज अगर आपको वो ही नहीं पता होगा तो आप उसका कोड करना आपके लिए मुश्किल होगा. सो जब हम अपनी सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उन दोनों को वैलिडेट कर लेंगे तो ऑफ कोर्स हमें अपने बोर्ड को अपडेट भी करना है. सो हमें उस पीस को चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है और उसको अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव करना है. सो उसके लिए हम उसको बोर्ड भेज रहे हैं, सोर्स भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन भेज रहे हैं. दैट शुड बी प्रीटी मच इट. इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम सब वैलिडेशंस कर चुके हैं. एट दिस पॉइंट हम ये अज्यूम करें कि आपका जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है, बल्कि अज्यूम नहीं करें, वी नो फॉर श्योर कि आपके अगर ये दोनों फंक्शन ठीक है तो आपके पास जो सोर्स और डेस्टिनेशन आ रहा है वो ठीक ही होगा. तो हम कुछ भी चेक लगाए बगैर सिर्फ आप उनकी जो पोजिशन है उनको चेंज कर सकते हैं. राइट, तो वंस द बोर्ड हैज़ बिन अपडेटेड, वो अभी तक यूज़र को नज़र नहीं आया क्योंकि सिर्फ वो मेमोरी अपडेट हुई है, तो उसके बाद हम दोबारा प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद हम जो टर्न है उसको चेंज कर देंगे. एंड देन यू कैन प्रॉबली गेस कि इसके बाद क्या होगा. जो हमारा टर्न मैसेज से लेकर टर्न चेंज तक का फ्लो है वो एक वाइल में आ जाएगा, बिकॉज इसने तब तक चलते रहना है जब तक आपकी गेम ख़त्म नहीं हो जाती. सो ये हम भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी गेम जो होती है इट इज़ नथिंग मोर देन अ लूप. आपके कुछ सेट नंबर ऑफ एक्शंस हैं जो कि बार बार परफॉर्म हो रहे हैं, बार बार परफॉर्म हो रहे हैं, एंड द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं. द स्टेट ऑफ द मेमोरी इज चेंजिंग और वो जो है आपको जो आपकी गेम है इट्स वर्किंग ऑन दैट. सो इट्स जस्ट अ लूप जो कि बार बार एक सेट नंबर ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है. इन दिस केस हमारा जो ये मेन फ्लो है ये हमें वो बता रहा है कि कौन से एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं और मूविंग. सो जब हम ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो आपकी मेमोरी जो है उसके साथ अपडेट हो रही है. राइट, सो थिंक नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कोड. सो हमारे पास जो सबसे पहले हम इनिट का फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हमें हम कैरेक्टर एक कैरेक्टर डबल पॉइंटर भेज रहे हैं, यानी हम एक 2D एरे बनाना चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स आप ये मेमोरी मैप्स कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक पॉइंटर टाइप का पॉइंटर, बेसिकली वी वांट टू स्टोर एन एरे ऑफ पॉइंटर्स और जो वो पॉइंटर्स की एरे होगी उसमें से हर एक पॉइंटर मज़ीद एक करेक्टर की एरे को पॉइंट करेगा. सो दिस वे हम डायनेमिकली एक 2D एरे बनाते हैं. राइट, लेट्स गो बैक अ लिटिल. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने की वो ये हैं कि आप स्टैटिक अरेज से गोमो में काम किया था आपने. सो यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक एलोकेशन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मेमोरी होगी वो इनिट फंक्शन से पहले नहीं बनी होगी, जो आपकी हीप मेमोरी है वो नहीं बनी होगी. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है उसका जो पहले पॉइंटर जा रहा है, डबल पॉइंटर जा रहा है, वो बाय रेफरेंस जा रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर उस मेमोरी को एलोकेट करना है. एंड जो डायमेंशन है ऑब्वियसली वो भी बाय रेफरेंस जा रही है. वेल इन जनरल हमारे पास जो चेस होती है उसकी जो डायमेंशन है वो फिक्स होती है, वो 8x8 का ही बोर्ड होता है, इससे बड़ी चेस नहीं होती. बट आई थिंक आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन जब आप शोगी बनाएंगे आई थिंक वहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइज के बोर्ड हो सकते हैं. एंड देन आपके पास एक पी नेम्स की स्ट्रिंग जा रही है. सो अगेन क्योंकि एक स्टैटिक अरे है जो कि 2 साइज की होगी, सो हमें इसको बाय रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं है, हम उसको नॉर्मली पास कर रहे हैं. सो बाय ऑफ कोर्स इसके अंदर हम जो चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे बाहर भी, बिकॉज क्योंकि ये एक अरे है
तो यहाँ पर इसका पॉइंटर ही जा रहा है, बट क्योंकि हम इसको नई मेमोरी एलोकेट नहीं करना चाहते तो हमें उसको बाय रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स टर्न जाएगी जो कि बाय रेफरेंस ही होगी दोबारा से, राइट। सो यहाँ पर जो से फ्राज हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि हमें बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है। एंड द अदर थिंग इज के हमें इसको एक्चुअली इनिशियलाइज किस तरह करना है। सो इनिशियलाइज करने के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम इसको हार्ड कोड करने की कोशिश करेंगे सो ऑफ कोर्स आपको जाके लिखना पड़ेगा 0 0 पे आर रखवा दो, 0 1 पे एन रखवाओ, फिर बी के क्यू इस तरह से रखवाओ। सो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, लाइक काफ़ी टीडियस काम है। सो द इजियर थिंग इज कि हम एक फाइल बनाएं, एक टेक्स्ट फाइल बनाएं जिसके अंदर हम बोर्ड पहले से रखवा दें इस तरह से बनाकर। हमने ऊपर डायमेंशन स्पेसिफाई की हुई है, फिर हम सारे जो पीसेज हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो आर स्टैंड फॉर रुक और यहाँ पे ये लोअर केस आर है। सो अगर आपको इस ब्लैक पीस याद हो तो उसके अंदर हमारा जो कोड था वो ब्लैक के लिए लोअर केस डिनोट कर रहा था और कैपिटल के लिए सॉरी जो वाइट है उसके लिए कैपिटल कर रहा था। सो टॉप पे हमारे पास ब्लैक है तो हमने स्मॉल लेटर्स रखे हुए हैं। एंड हमारे पास स्पॉन्स हैं जो कि सेकेंड रो में आते हैं और उसके ऊपर हमारे पास जो बाकी पीसेज हैं जो कि एक बड़ा उनका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। सो वी हैव रुक कॉर्नर्स पे होते हैं, उसके बाद आपके पास जो नाइट्स होते हैं अब वो रुक्स के साथ आते हैं, फिर आपके पास बिशप्स आते हैं और फिर आपके पास किंग और क्वीन होता है। सो राइट, आपका जो किंग होता है वो हमेशा लेफ्ट पे होता है और जो क्वीन है वो राइट पे होती है। सो यहाँ पर ये हमारी बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि यहाँ पे मे बी वीडियो में कोई मसला आ रहा है बिकॉज इट्स गोइंग रियली स्लो। ओके सो दैट्स बेटर। सो अगेन अगेन, सो आपके जो नीचे वाले वाइट पीसेज हैं उसमें भी किंग और क्वीन की पोजीशन स्वैप नहीं होती, किंग इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट और क्वीन राइट पे है। सो जो नीचे वाले पीसेज हैं हमने उनको वाइट पीसेज हैं उनको हमने कैपिटल से डिनोट किया ताकि हम उसको वाइट बता सकें कि दीज पीसेज आर वाइट। और यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 रोज़ हैं। सो यू कैन सी कि 2 रोज़ यहाँ पर ऊपर हैं लेटर्स के लिए, 2 रोज़ यहाँ पर लेटर्स के लिए और दरमियान में 4 रोज़ खाली हैं। एंड अगर आप उसको कॉलम्स काउंट करें तो वो भी आपके पास 8 कॉलम्स हैं। सो दिस इज़ एन 8x8 बोर्ड। सो हमने एक टेक्स्ट फाइल बना ली है, इस टेक्स्ट फाइल को हम बना के रख लेंगे और इसको हम जिस तरह से पहले हम रेज को लोड करते आए हैं हम एग्जैक्टली इन द सेम वे उसको एक नेस्टेड लूप यूज़ करके लोड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम उस फाइल को ओपन करेंगे। सो वी नीड इफ स्ट्रीम का हमारे पास रीडर होगा, सो उसको हम न्यू डॉट टी एक्स टी कह रहे हैं। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बोर्ड हम इस फाइल को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम जो है इसके अंदर ये जो हमारे पास बोर्ड पड़ा हुआ है अपनी इनिशियल स्टेट में उसको बार दोबारा दोबारा लोड करवा सकते हैं। सो दिस न्यू टेक्स्ट फाइल को हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हम ताकि हम इसको बार बार रीयूज कर सकें। सो हेयर सरफराज इज मेकिंग एक मेमोरी मैप बना रहे हैं ताकि हमें काफ़ी क्लियर हो सके कि एक्चुअली द बैक एंड हो क्या रहा है। सो जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि हमें जब 2D रे बनानी होती है सो हम एक डबल पॉइंटर बनाते हैं। सो डबल पॉइंटर मीन्स कि एक पॉइंटर है जो कि एक पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो एक पॉइंटर टाइप का जो पॉइंटर होता है उसको हम डबल पॉइंटर कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक करेक्टर पॉइंटर का पॉइंटर है जो कि हमारा बी है। सो उसके आगे हमने डेम साइज़ की जो कि बेसिकली डेम हमारे पास 8 है यानी डायमेंशन 8 है, तो 8 साइज़ की हमने उसको मेमोरी एलोकेट की है विच मीन और वो कैरेक्टर पॉइंटर टाइप की मेमोरी है। सो दिस मीन्स कि हमारे पास जो मेमोरी बनेगी वो 8 पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। सो यू कैन सी जो उन्होंने वर्टिकल कॉलम यहाँ पर भी बनाया कैरेक्टर पॉइंटर उसके ऊपर मेंशन भी किया, तो ये हमारे पास बेसिकली 8 पॉइंटर्स पड़े हुए हैं कैरेक्टर टाइप के। और इसके आगे मजीद हम ईच पॉइंटर फॉर ईच इंडिविजुअल पॉइंटर हम उसको मजीद 8 साइज की अरे एलोकेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ कैरेक्टर अरे, वो हम उसको मजीद एलोकेट करेंगे और उसके बाद
आपने जिस तरह से किया था, आपने जिस तरह से किया था गोमुको में उसमें, या सॉरी नॉट इन गोमुको, अभी जो आपने असाइनमेंट किया पॉलिनोमियल्स की, उसमें आप साथ साथ एलोकेट कर रहे थे और साथ साथ मेमोरी रीड भी कर रहे थे. सो हियर्स अ फ्राज इज डन इट अ लिटिल डिफरेंटली, कि पहले वो मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं और फिर एक और लूप लगा रहे हैं दोबारा से, जो कि उस क्रिएटेड मेमोरी के अंदर ट्रवर्स करके रीड करवा रहे हैं. सो दिस बिकम्स लिटिल सिंपलर टू अंडरस्टैंड. ये जो कोड है ये थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए आसान है, कि व्हाट यू डन इज के, लेट मी जस्ट पॉज हियर. जो व्हाट यू व्हाट वी हैव डन हियर इज के हमने पहले अपने जो बी है, बोर्ड है, जो कि हमें पता है कि पॉइंटर टाइप का पॉइंटर है, यानी वो एक पॉइंटर है, ऐसा पॉइंटर है जो कि आगे पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है. वो हमने उसको यूज़ करते हुए हमने डायनेमिकली एलोकेट करवाई है एक अरे, जो कि पॉइंटर्स हमारे पास पॉइंटर्स की अरे है, ठीक है. सो वी हैव 8 पॉइंटर्स कैरेक्टर टाइप के, विच मीन्स के वो हर पॉइंटर जो है अपने आगे एक मजीद अरे को पॉइंट कर सकता है. तो दिस वे हमारे पास 8 अरेज हैं जो कि हीप पे बनी हुई हैं, और उन 8ों अरेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 8 पॉइंटर्स हैं, ठीक है. सो दैट्स द दिस लाइन इज डूइंग, हमारे पास ये काम कर रही है कि हमारे पास ये 8 पॉइंटर्स बना रही है. और उसके बाद हम उस हर पॉइंटर के पास जाते हैं और उसको एक मजीद 8 साइज की करेक्टर अरे देते हैं, ठीक है. सो इन दिस वे हमने क्या किया है कि 8 पॉइंटर्स बनाए हैं और हर पॉइंटर के आगे एक अरे बनाई है, ठीक है. सो दिस मेक्स अ 2D अरे. सॉरी अबाउट दैट. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप जो स्टैटिक अरेज में ट्रवर्स करते थे और लोड करवाते थे, हमने सेम वो एक नेस्टेड लूप लगाया सिंपल सा, और हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसके अंदर जो भी हमारे पास जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको रीड करवा रहे हैं. सो बेसिकली आपके पास 0 0 पे आर आ जाएगा, 0 1 पे एन आ जाएगा, 0 2 पे बी आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है. सो दिस बोर्ड जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फाइल के अंदर लिखा हुआ, ये एज इट इज आपके पास इस अरे के अंदर रीड हो जाएगा, ठीक है. सो लेट मी अन पॉज एंड मूव ऑन. राइट, सो यहाँ पर सरफराज ने एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया. आई एम नॉट श्योर कि आपके पास जो इनम्स आपने पढ़े हुए हैं या नहीं, बट इनम्स आर बेसिकली हमारे पास एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है जिसके थ्रू, लेट मी जस्ट लेट हिम राइट दिस. फेब्रुअरी. तो इनम्स आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको जो है किसी नाम से डिनोट, सो किसी नाम से डिनोट कर सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो कि डिफरेंट आपके कॉन्स्टेंट्स को हम नेम दे सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर सरफराज ने एक बूल का इनम बनाया जिसमें फॉल्स और ट्रू है, एंड ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपके पास जो फॉल्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो ट्रू है वो 1 होगी. सो जहाँ पर भी आप एक इनम डेटा टाइप बनाएंगे बूल और उसको फिर फॉल्स असाइन करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी एसेंशियली वो 0 होगी, और जो आपका ट्रू है इनम एक बूल टाइप का अगर आपका इनम है वो आपने बनाया, तो उसकी जो वैल्यू जब आप ट्रू करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी. इसी तरह उन्होंने मंथ का एक इनम बनाया जिसके अंदर जनवरी फरवरी एंड सो ऑन है, और जनवरी को उन्होंने 1 से स्टार्ट किया है. सो दिस विल जो है आपका इनम 1 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपके पास जो फेबरी मार्च अप्रैल एंड सो ऑन है वो फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होते जाएंगे. तो फेब विल बी 2, मार्च विल बी 3, अप्रैल विल बी 4, मई विल बी 5, एंड सो ऑन. सो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें इससे सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि टू मेक आर कोड थोड़ा सा रीडेबल हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स एवरीवेयर, हम कॉन्स्टेंट्स जो हमने देने हैं उसकी जगह हम उसको कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है. सो अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने इनम्स यूज़ करना है, राइट. सो वो हमने यूज़ करना है वाइट और ब्लैक का, ठीक है. सो एक कलर का इनम बना लिया. सो वाइट विल बी 0 एंड ब्लैक विल बी 1,
सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जीरो इंडेक्स पे जो वाइट प्लेयर का नाम रखा हुआ है, और जो आपके पास जो वन इंडेक्स है पी नेम्स के अंदर था, वो आपके पास ब्लैक है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नीचे कि जो टर्न है उन्होंने उसको वाइट असाइन किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा टर्न जो होती है पहले वाइट की होती है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीरो यहाँ पे टर्न इज इक्वल टू जीरो लिखने के बजाय हम यहाँ पे टर्न इज इक्वल टू वाइट लिख सकते हैं। सो लेट मी फॉरवर्ड दिस। राइट, सो मूविंग ऑन टू सेलेक्ट पोजिशन। ठीक है, सो वन थिंग, अगर आप मेन फ्लो में देखें तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन और सोर्स के लिए जो फंक्शन है एक्चुअली वो सेम है। वो इसलिए सेम है बिकॉज हम उसके अंदर सिर्फ एक पोजिशन आर्बिट्रेरी पोजिशन का एक वेरिएबल भेज रहे हैं, उसको नहीं पता है कि ये सोर्स है या ये जो है वो डेस्टिनेशन है। उसको सिर्फ एक पोजिशन का जो है वो आर्गुमेंट आता है पोजिशन टाइप का, और वो उसके अंदर जो भी वैल्यूज आप इनपुट करवाएंगे वो रखता है और उसको रिटर्न करवा देता है, और यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं हो रही। सो हमने यहाँ पे डायमेंशन भेजा हुआ है, सो आई वुड अज्यूम कि यहाँ पे हम एक सिंपल जो है वैलिडेशन लगाएंगे जो कि उसकी उसको बाउंड्स में रखने के लिए होगी, बट इवन दैट वो जो है हमारे पास इस फंक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट से कि हम यहाँ पर सी के हम यहाँ पर डायमेंशन सरफराज ने क्यों भेज दिया, बिकॉज आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। राइट, सो हमारे पास जो चेस होती है उसका जो बोर्ड है उसके अंदर हमारे पास जो लेबल्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो लेटर्स से लेबल हुए होते हैं, जो रोज होती हैं वो नंबर्स से लेबल हुई होती हैं। सो 1 to 8 आपके पास रोज होती हैं और A to H आपके पास एक्सक्यूज मी कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इसी फॉर्म में इसी फॉर्मेट में ये इनपुट लेंगे। सो अगर जो आपका यूज़र है वो 0 0 पे जो भी रुक पड़ा हुआ है उसको सेलेक्ट करना चाहता है तो वो A1 एंटर करेगा। लेट से वो आपके किसी पॉन को सेलेक्ट करना चाहता है तो वो प्रोबेबली A2 सेलेक्ट करेगा, या A1 से लेके सॉरी सॉरी बी बी टू बी वन सेलेक्ट करेगा, या B1 से लेके B8 तक कोई पॉन सेलेक्ट करेगा। सो दिस दिस इज बेसिकली हम उसका इनपुट जो है इस फॉर्म में ले रहे हैं। राइट, तो वी आर फैसिलिटेटिंग द यूजर कि वो जो चेस का फेमिलियर फॉर्मेट होता है उसमें इनपुट ले इनपुट दे, बट उसके बाद हम उसको जो है अपने फॉर्मेट में बाद में खुद ही कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सरफराज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यूज़र है वो प्रॉबली कैपिटल लेटर भी दे सकता है, एंड मे बी उसका दिल नहीं करेगा मैं शिफ्ट दबा के ये दबाऊँ, सो ही विल प्रॉबली मे बी जस्ट जो स्मॉल लेटर है उसमें ही दे देगा। तो ये काम भी प्रोग्रामर का है कि अगर वो स्मॉल लेटर भी देता है तो हमें उसको अकोमोडेट करना है, और उसके लिए हमारे पास जो सी प्लस प्लस है उसमें एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टू अपर, सो उसको अगर आप कोई भी लोअर केस लेटर देंगे तो वो उसको अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल के अगर वो एक स्मॉल लेटर यानी लोअर केस लेटर भी दे रहा है तो हम उसको जो है एट द बैक एंड उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट इसको करने का मकसद ये है कि जब हम इस लेटर को अपने लिए जो है नंबर्स में यानी इंडेक्सेस में कन्वर्ट करना है, सो ऑब्वियसली हमारे पास एक्चुअली जो अरे है उसके इंडेक्सेस तो A1 कुछ नहीं है, एक्चुअली वो 0 है, 0 A1 0 है, और एज 8 जो है आपका वो 7 है। सो दिस बेसिकली मीन्स के आपके पास 0 0 से 7 7 तक जो इंडेक्सेस हैं आपने वो जो है डिफाइन करने हैं। सो ऑफ कोर्स क्योंकि हम 1 से 8 तक इनपुट ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपकी रो है, और जो आपकी कॉलम है उसकी टर्म्स में हम ए से एच तक इनपुट ले रहे हैं। सो हमें उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, क्योंकि
क्योंकि 1 से 8 तक है तो उसके अंदर से 1 माइनस कर देंगे तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा, सिंपल सिंपल एज दैट। लेकिन जो हम कॉलम ले रहे हैं, यानी जो लेटर ले रहे हैं, उसको जो हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर से हम कैपिटल ए माइनस करें, बेसिकली हम उसके अंदर से 65 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो उसका आस्की कोड जो है, अगर हम उस पर वापस आएँ, सो आस्की कोड हम उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो कैरेक्टर्स पे जब एरिथमेटिक लगाई जाती है तो एक्चुअली बैक एंड पे उसके जो भी आस्की कोड्स होते हैं वो ऐड हो रहते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहते हैं। सो अगर मैं इस सी के अंदर से ए सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो बेसिकली इसके अंदर जो भी करेक्टर पड़ा होगा उसके आस्की कोड में से 65 माइनस हो जाएगा। सो अगर ए ही पड़ा होगा तो 65 माइनस 65 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अगर बी पड़ा होगा तो 66 माइनस 65 होगा तो 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास वो ए देगा तो हमारा इसका मतलब 0 है, और अगर वो 1 देगा तो उसका मतलब भी 0 है। सो अगर वो ए 1 दे रहा है तो वो 0 0 विच इज़ द राइट फॉर्मेट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सो राइट, सो आई वाज राइट अबाउट वन थिंग आई थिंक, लेकिन हम बाद में उसको डिस्कस करते हैं। सॉरी अगेन। यहाँ पर जो हमारे पास वैलिड सोर्स है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने वैलिडेट करनी है वो ये है कि वो आपकी बोर्ड की बाउंड्स में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर वो 0 से छोटा है या आपकी डायमेंशन से बड़ा या इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बाउंड से बाहर जा रहा है। सो हम इसी तरह आपकी कॉलम पे भी सेम सेम दो कंडीशन दोबारा से लगाएंगे। अगर कॉलम इंडेक्स भी 0 से छोटा या डायमेंशन से बड़ा या इक्वल है, तो वो जो है आपके पास जो है वो आउट ऑफ बाउंड है, तो हम वहीं पे वैलिड को रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें ये बताना है कि ये जो सोर्स उसने सेलेक्ट किया है वो उसका अपना पीस है भी या नहीं। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि बता रहा है इज़ माई पीस। सो ऑफ कोर्स सरफराज के कैमरा से वो उसने उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं वो शायद छुप गए हैं। सो आई थिंक वो रीराइट कर रहे हैं इन सम प्लेस जो कि रीडेबल है। सो नो आई डोंट थिंक सो। तो बेसिकली मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बता देता हूँ कि वो क्या भेज रहे हैं। बेसिकली वो जो भी आपने सोर्स रो सोर्स कॉलम सेलेक्ट किया यहाँ पे वो उसके ऊपर जो भी कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो भेज रहे हैं। सो बेसिकली जो उन्होंने बी के अंदर जो आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाकर उसके अंदर सोर्स रो सोर्स कॉलम एंटर कर दिया। सो जहाँ पे भी अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 0 0 सेलेक्ट किया है, तो वो B 0 0 पे जो भी पड़ा हुआ है वो चला जाएगा। और उसके साथ ऑफ कोर्स हमें अपना पीस चेक करना है, तो अपना किसका है हमें ये देखना है, यानी वो ब्लैक है या वाइट है, किसकी टर्न चल रही है वो उस पर डिपेंड करता है। सो हमें टर्न भी भेजनी है, ठीक है। सो हमने उसको एक सिंबल भेजा, एक सिंपली एक सिंबल रिटर्न होता है उसको, और सॉरी पास होता है, और उसके बाद उसको टर्न पास होती है। सो अगर आपके पास ब्लैक की टर्न है तो हम अपना इस ब्लैक पीस वाला फंक्शन यूज़ करेंगे और उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो रिटर्न कर देंगे। एंड अगर आपके पास टर्न वाइट की है तो हम इस वाइट पीस वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि उसको बताएगा कि जो सिंबल उसने सेलेक्ट किया है वो वाइट है या नहीं, एंड देट हम फिर उसको रिटर्न कर देंगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें जो ब्लैंक स्पेस है उसकी वैलिडेशन लगाने की अगेन ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अगर वो ब्लैंक स्पेस होगी तो ना उसको ब्लैक पीस ट्रू रिटर्न करेगा और ना ही आपका जो वाइट पीस है वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसके ट्रू रिटर्न करने की किस्से सिर्फ ये हैं कि आपका ए से जी के दरमियान में वो सिंबल होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, और जो आपकी स्पेस होती है या डैश होती है वो ए से जी के दरमियान ऑब्वियसली नहीं आती। सो डेस्टिनेशन के अंदर हमारे पास जो वैलिडेशन है, लेट मी जस्ट थोड़ा सा हम इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं। राइट, सो जो सरफराज ने यहाँ पे आपको वैलिडेशन डेस्टिनेशन के लिए लगाई है वो फेयरली सिंपल है। एक तो आपको सबसे पहले जो बाउंड्स हैं उनको चेक करना है। सो वो कोड एज इट इज़ आ जाएगा, लेट मी जस्ट गो बैक, वो एज इट इज़ आ जाएगा। और जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपका अपना पीस नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो कोई भी पीस है
वो आपके फ्रेंडली पीस के ऊपर मूव नहीं कर सकता, अदर देन दैट वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। अगर एनिमी पीस है तो वो उसको कैप्चर कर सकता है, और अगर वो ब्लैंक स्पेस है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। सो जो आपका इज माई पीस वाला फंक्शन हमने बनाया है वो यही रिटर्न करता है कि जहाँ पर जो पोजिशन आप उसको दे रहे हैं वो उसका अपना पीस है या नहीं है, ठीक है। सो अगर उसका अपना पीस है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर वो ब्लैंक स्पेस या एनिमी का पीस है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। सो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर ये मेरा पीस नहीं है तो ये वैलिड है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर जो फ्राज ने लिखा हुआ है कि रिटर्न नॉट इज़ माई पीस। तो इफ़ इट इज़ नॉट माई पीस जो जहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं तो देन इट इज़ वैलिड, ठीक है। अगर ये मेरा पीस होता तो फिर ये आपकी जो डेस्टिनेशन है वो इनवैलिड होगी, क्योंकि आप अपने पीस के ऊपर मूव नहीं कर सकते। सो इन आर मेल फ्लो हमने अभी तक वैलिडेशंस तक कर लिया काम, एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास काम फिलहाल रह गया वो अपडेट करने का रह गया। सो अपडेट का जो कोड होगा वो फेयरली सिंपल है, आप गेस कर सकते हैं। ऑल वी आर डूइंग इज के आपके पास जो भी सोर्स के ऊपर आपका सिंबल पड़ा हुआ है उसको उठा के आप डेस्टिनेशन पर रखवा देंगे, और जो आपकी सोर्स है उसको आप ब्लैंक स्पेस कर देंगे, जो कि हम डैश से डोनेट करें तो डिनोट कर रहे हैं, सॉरी, तो हम उसकी जगह पर सिर्फ डैश रखवा देंगे। सो राइट, सो दिस इज राइट, सो दिस इज सो फार आपका जो एक सिंपल सा मेन फ्लो है उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया है इन कोड। सो द नेक्स्ट थिंग इज के हमें इसमें ग्राफिक्स इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो ग्राफिक्स हम बेसिकली आप पहले कर चुके हैं, एनिमेशंस में आप काफ़ी काम कर चुके हैं। सो उसके अंदर जो आपने काम किया था लेटर्स प्रिंट करने वाला, उसके अंदर आप एक रेफरेंस लेते थे, राइट। आपके पास एक रेफरेंस सेंटर होता था, और फिर उस सेंटर के अराउंड आप जो है अपना वो बनाते थे, अपना जो भी लेटर आपने ड्रॉ करना है वो उस सेंटर के अकॉर्डिंग आप उसके इंडेक्सेस चेंज करके बनाते थे। सो राइट नाउ एग्जैक्टली सेम काम आपने दोबारा से करना है। आपने एक बॉक्स ड्रॉ करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है जिसके लिए आपको एक सेंटर रो और सेंटर कॉलम आप भेजेंगे स्क्रीन का, और जो बॉक्स है उसके उसके साइज़ के लिए आप उसको उसके कॉलम्स और उसके रोज भेजेंगे, यानी आपके बॉक्स की इतनी रो विड्थ होनी चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए, राइट। सो यू जस्ट स्टार्ट एट द सेंटर, एक्चुअली यहाँ पर नेवर माइंड, आपके पास जो सेंटर है हम उसको नहीं ले रहे, एक्चुअली हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं बॉक्स का। सो हम उसके जो ड्रॉ करना शुरू करेंगे उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, विच मेक्स इट ईजियर फॉर अस, क्योंकि अगर हम उस तरह से करें तो हम एक सिंपल लूप के थ्रू बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो ऑल वी आर डूइंग इज के एक नेस्टेड लूप लगा रहे हैं जो कि जो भी आपने उसको कॉलम और रो भेजा है वहाँ पर जाएगा, और वहाँ से जाकर आपके जो जितनी भी विड्थ है उतना आगे जाएगा, और जितनी भी हाइट है उतना नीचे आएगा, और हर पॉइंट पर जो फिल करेक्टर है वो ड्रॉ कर देगा। राइट नाउ यहाँ पे जो मसला आएगा वो ये होगा, क्योंकि हमने एक नेस्टेड लूप लगाया हुआ है, एक सिंपली सिंपल नेस्टेड लूप लगाया हुआ है, तो ये आपका जो बॉक्स है वो फिल्ड होगा। एक्चुअली मसला नहीं है, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांटेड टू, क्योंकि हमें बोर्ड बनाना है तो हमें फिल्ड बॉक्सेज ही चाहिए, सो ब्लैक एंड वाइट बॉक्सेज चाहिए, राइट। सो अब आप देख सकते हैं कि एक आपके पास वाइट बॉक्स प्रिंट हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स सरफराज ने भेजे हैं वो है, आपने 10:10 पे स्टार्ट जाना है, यानी स्क्रीन के 10:10 पे जाओ और वहाँ पर 20x20 का एक बॉक्स बना दो। सो नाउ हमने अगर एक बॉक्स एक सिंगुलर बॉक्स बना लिया, सो व्हाट वी वांट टू डू इज के एक पूरा बोर्ड बनाना है हमने, यानी 8 बॉक्सेस बनाने हैं रो वाइज और 8 बॉक्सेस कॉलम वाइज, ठीक है। सो उसका कॉन्सेप्ट इज जस्ट वेरी सिंपल, जिस तरह से आपने एक बॉक्स बनाने के लिए 8 8 सॉरी 20 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स की विड्थ हुई या 20 पिक्सल्स की
हाइट दी हुई है, और एक नेस्टेड लूप जो है वो उसके हर पिक्सल पर जाता है विद अ स्टेप साइज ऑफ 1। तो और वो उसको फिल कर देता है पूरे पूरे एरिया को। इसी तरह अगर हम इन बॉक्सेस को लें और स्क्रीन के 0-0 से स्टार्ट हो और एक 20x20 का बॉक्स बनाए, और अब 20 कॉलम्स आगे मूव करें और एक और बॉक्स बनाए, फिर 20 कॉलम्स और आगे मूव करें एक और बॉक्स बनाए, इस तरह से हम 8 बॉक्सेस की एक रो बनाए, और उसके बाद हम 0-20 पर आ जाएं, यानी आपकी जो सॉरी 20-0 पे आ जाएं। अब हम 20 नीचे मूव करें और वहाँ पे एक और बॉक्स बनाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, कि एक बॉक्स बनाया, उसके साथ एक और बॉक्स बनाया, उसके साथ एक और बॉक्स बनाया, एक और बॉक्स बनाया, राइट। तो हम उसको जो बॉक्सेस बॉक्स बनाने का फंक्शन हम बना चुके हैं, हम उसी को यूज़ करके अब मल्टीपल बॉक्सेस बना रहे हैं, ठीक है। और हमें कितना आगे मूव करना है, ऑफ कोर्स जो जब हम छोटा सा बॉक्स बना रहे थे तो हमें सिर्फ 1 पिक्सल आगे मूव करना है, तो स्टेप साइज आपका जो था वो सिर्फ 1 था। इन दिस केस वो बी कॉलम्स है टू मूव राइट, क्योंकि बी कॉलम्स आपको विड्थ बता रहा है हर बॉक्स की। तो ऑफ कोर्स हम अगर वहाँ पे सिर्फ एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो वो तो पिछले बॉक्स के ऊपर ओवरराइड कर देगा, तो हमें वो जितना बॉक्स ड्रॉ हो चुका है उतने कॉलम्स जो है स्किप करने हैं, जो कि हमें बी कॉलम्स बताता है, यानी बॉक्स कॉलम्स बताता है। और इसी तरह जब हमें नीचे मूव करना है तो उसमें भी हमारा जो स्टेप साइज होगा वो बी रोज बताएगा, यानी बॉक्स रोज बताएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सरफराज जो है वो आपको मैथमेटिकली बता रहे हैं कि फर्स्ट 0-0 होगा, उसके बाद जो जी रो आपकी 0 ही रहेगी, बट आपका जो कॉलम है वो बी कॉलम्स आगे हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस वो 20 आगे हो जाएगा, और फिर जो दोबारा आप बनाएंगे तो वो 2 टाइम्स B कॉलम्स होगा, यानी 2 टाइम्स 20 इज 40, 40 कॉलम्स आगे चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज हमारा जो एक नेस्टेड लूप को यूज करते हुए हम एक पूरा ड्रॉ ड्रॉ बना सकते सॉरी पूरा बोर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फंक्शन यूज होता हुआ नजर आ रहा है, सॉरी जो नेस्टेड लूप आपको नजर आ रहा है उसके अंदर स्टेप साइज 1 का ही है, सो थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजिंग है, बट जैसे कि आपने सरफराज को भी एक्सप्लेन करते हुए देखा था कि उन्होंने मैथमेटिक भी एक्सप्लेन किया था कि वो पहले आपका जो स्टेप है वो 0 है, फिर आप सॉरी जो आपका पहला स्टार्टिंग कॉलम है वो 0 है, उसके बाद आपका 1 टाइम्स B कॉलम्स है, फिर आपका 2 टाइम्स B कॉलम्स है, फिर वो 3 टाइम्स B कॉलम्स है, ठीक है। सो इस तरह से करके हम एक सिंपली जो नॉर्मल नेस्टेड लूप है वो स्टेप साइज 1 के स्टेप साइज का नेस्टेड लूप बना रहे हैं, बट उसके बाद जो हमारे पास बॉक्स की डायमेंशन है जो लाइक इंडिविजुअल बॉक्सेस की डायमेंशन है, हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे जो भी कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स है, ठीक है। सो दिस टाइम दिस विल क्रिएट दैट एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, विच वॉज कि पहले वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0-0 है, फिर वो 0 और फिर बी कॉलम्स है, फिर वो 0-2 B कॉलम्स है, फिर वो 0-3 B कॉलम्स हो जाएगा, फिर जब हमें नीचे मूव करना है तो वो 1 टाइम्स B रोज और 0 होगा, फिर जो आपने 1-1 इंडेक्स पे लेट से प्रिंट करना है तो वो 1 टाइम्स B रोज होगा, 1 टाइम्स B कॉलम्स होगा, राइट। सो ऑफ कोर्स हमें अब ऑल्टरनेटिवली जो ऑल्टरनेटिव कलर्स भी प्रिंट करने हैं, सो सेम कलर के सारे बॉक्सेस प्रिंट नहीं करने हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने एक बूलियन रखा हुआ है फ्लिप का, जो कि बता रहा है कि आपका जो कलर प्रिंट हुआ है उसको फ्लिप करना है या नहीं। सो हम क्या करेंगे कि हर स्टेप के बाद जो भी वो जो कलर होगा उसको फ्लिप कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आपके पास ऑल्टरनेटिव कलर्स प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकलिटी ये आ रही है कि अगर आप पहली रो के एंड पे देखें ग्रीन है, और फिर सेकेंड रो के स्टार्ट में देखें दोबारा से ग्रीन है, राइट। सो दिस इज वेयर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर हम एक सिंपली हर स्टेप के बाद उसको फ्लिप कर दें तो जब पहली रो खत्म होगी तो वो दोबारा से फ्लिप हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम वो वाइट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम कुछ चेक्स लगा रहे हैं कि
राइट. सो अगर आर आई प्लस सी आई यानी रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स एक इवन नंबर है तो हम उसको ब्लैक में प्रिंट कर रहे हैं, और सॉरी वाइट में प्रिंट कर रहे हैं. और अगर वो ऑड नंबर है तो हम उसको ब्लैक सॉरी उसको हम ब्लैक में प्रिंट कर रहे हैं, राइट. सो 0 इज़ फॉर ब्लैक और 15 जो है वो वाइट के लिए होता है. सो लेट्स सी के इसका आउटपुट क्या आता है. ठीक है, सो यू कैन सी कि हमारे पास ऑल्टरनेटिवली वो प्रिंट हो रहा है, बट हाँ राइट. सो इट इज़ प्रिंटिंग ऑल्टरनेटिवली. सो हमने जो फ्लिप का बूलियन बनाया हुआ है उसको यूज़ किए बगैर हमने फिलहाल ये काम कर लिया है, बस जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि है कि आपका रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स अगर इवन है तो वी गोइंग टू प्रिंट प्रिंट वाइट, और अगर आपका वो ऑड है तो हम उसको ब्लैक प्रिंट कर देंगे. और वो जो प्रॉब्लम थी उसको खुद ही हैंडल कर लेगा कि पहली रो के एंड पर ब्लैक है तो उससे नेक्स्ट रो के स्टार्ट में दोबारा से ब्लैक आएगा, एक्चुअली वो अल्टरनेट नहीं करेगा, राइट. बट अगर वो उसको हम अब उसके ऊपर से देखें यानी कॉलम वाइज देखें यानी